एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के कीमती आभूषण के पार। इंडोन सिटी सूरत थाना क्षेत्र के मुखुमी खेड़ा गांव में चोरों ने एक सुने मकान में रखे हुए लाखों रुपए के बेश कीमती आभूषण और नकदी लूटकर भाग गए। इस मामले में पीड़ित ने सूरत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित लाल सिंह जाट ने जानकारी दी है कि उसके मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 10 लाख तोला सोना चांदी के आभूषण सहित 1,35,000 रुपए की नकदी चुरा कर भाग गए। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को सोमवार को सुबह दी गई। इस घटना की जानकारी सूरत थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इससे ग्रामीण नाराज है। गर्मी का टाइम हो इस वजह से हम कूलर के हवा में सो रहे थे सब। सुबह क्या है जो वैसे 6:30 बजे के समथिंग जो मेरी घरवाली है वो यहाँ पर आई, इधर भैंसों का काम के दूध काटने के हिसाब से। तो वो आई तो उसको ताला यहाँ पर टूटा मिला इस पोजिशन में, और अंदर आलमारी के सभी ताले तोड़े गए। तारे तोड़ने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ पर एक पेड़ की सुरक्षा के लिए हमने सरिया गाड़ रखा था, उस सरिया को मतलब ये काजो खुसका के और तारे को उसमें सरिया डाल के उसको घुमाया है और सरिया के हिसाब से वो तोड़ा गया है ताला। कितने रुपए और क्या क्या गया है आपका, चोरी क्या क्या चीज़ हुई है? हमारे 1,35,000 से कुछ 100-200 रुपये ऊपर थे कैश। अच्छा, ये रकम मेरी अभी एक बाहर रुदाबिल से आई हुई थी। अच्छा। और हमारे सारे गहने थे उसमें सभी। अच्छा, टोटल कितना हुआ होगा? जैसे टोटल तो क्या बताएं, लेकिन सब बड़ी बड़ी हिसाब से बताऊं तो कॉलर थी 5-6 तोला की तो कम से कम, और लर थी नार वाली अंगूठी, और चांदी के सभी गहने थे। पहले हम दोनों भाई न्यारे हुए थे, उस टाइम पे भी वो मेरे भाई के बट में जो हिस्सा है वो भी मेरे पे ले लिया मैंने उसके, क्योंकि वो बंटवारे होने के कारण हम उन्होंने कहा कि इसको कैसे आधा आधा करें, तो उसको क्या है हम बिक्री करने के लिए वहाँ सुनार के यहाँ गए कि चलो इसको मोल करके और पैसा बांट लेते हैं, लेकिन जो कीमत थी वो पैसे मैंने दे के वो चीज़ मैंने भी रख ली। 1.25 किलो के आसपास चांदी थी लगभग। ठीक।